भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर में एक बड़ी घटना टल गई। दरअसल जवारीपुर में एक मारुति अल्टो कार तेज रफ्तार से आई और एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान में घुस गई। कार में दो युवक सवार थे। तेज रफ्तार कार के दुकान में घुसने से दुकान में लगा कांच का शीशा टूट गया और 7 से 8 बैटरियां भी बर्बाद हो गई। दुकान संचालक प्रभु कुमार ने बताया कि PR10H5480 नंबर की मारुति अल्टो कार तेज रफ्तार में आई और मेरी दुकान में घुस गई, जिससे दुकान में 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दुकान संचालक ने बताया कि दो युवक कार में बैठा था, दोनों शराब पिया हुआ था और दोनों के मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। इधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवक को थाने ले गई और आगे की जांच में जुट गई। वही प्लॉटिंग करता है, कौन जाता रे? हाँ, चंद्रवंशी है, जगत जी है। अच्छा, गलती से चाबी अच्छा गया ना? पाका कराने वाले हो दोनों? नहीं, हम पाका कराने वो? हाँ, मैं बरारी का। बरारी? बस लड़का लोग बैठा हुआ था, उधर से आया, गाड़ी से पूरा घुसा दिया। मोटामोटी 7-8 बैटरी डैमेज किया है, मतलब शीशा वगैरह देख रहे हैं, काउंटर वगैरह देख रहे हैं आप, पूरा डैमेज कर दिया। कौन लोग थे, कौन गाड़ी? मारुति अल्टो 800 था, बांका का लड़का था। अभी तो जस्ट उसका फोटो खींचे हैं। ये कितना का नुकसान हो गया? मोटामोटी 2 लाख रुपया का नुकसान है। कितने बजे की घटना है ये? बस जस्ट हमको लगता है 10 मिनट पहले का घटना है। तो क्या नशे में थे वो लोग? वो दोनों लड़का नशे में है, दारू पिए हुआ, मुंह महक रहा पूरा दोनों। अभी तिलकामांझी पुलिस आई थी, लेके गई है। लगभग कितना का नुकसान हो गया? 2 लाख रुपये का नुकसान। 2 लाख का? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ। किस चीज़ का दुकान है? प्रभु बैटरी, बैटरी का दुकान है, बैटरी इन्वर्टर। वो तो टायर था आगे में पूरा भरा हुआ, नहीं तब तो स्पॉट डेट हो जाता, तो टायर पूरा यहाँ आगे तक निकला हुआ। रोहित कहाँ से आ रहे थे? आ कहाँ से रहे थे? गाड़ी खड़ी हुई थी। खड़ी घुस गई उधर? नहीं, गाड़ी से चाबी लगा, उसमें वहाँ बैठे थे ड्राइवर से। अच्छा, हमने से गलती से चाबी खाने के कारण। कहाँ करता है? वहीं प्लॉटिंग करता है। कौन जाता रे? हाँ, चंद्रवंशी है, जगत जी है। अच्छा, गलती से चाबी खा गया ना? पाका कराने वाले हो दोनों? नहीं, हम पाका कराने वाले। वो हाँ, मैं बरारी का। बरारी?